गुल्ली और बुल्ली ने जैसे ही आज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा, दोनों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। आखिर ये हो क्या रहा है? गुल्ली और बुल्ली के मोहल्ले से छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं। इतने छोटे बच्चे आखिर किसके दुश्मन हो सकते हैं, और कोई आखिर इतने छोटे बच्चों से क्या दुश्मनी निकालेगा? इनमें से कुछ बच्चों को तो गुल्ली और बुल्ली पहले से ही जानते हैं। न्यूज़पेपर में देखते ही दोनों पहचान गए कि ये बच्चे कौन हैं। तभी गुल्ली एक बच्चे को पहचानते हुए बोला, बुल्ली तुम कल्लू जमादार को जानते हो ना? अरे वही जो ट्रांसफार्मर के पास रहता है, जिसके दो बच्चे हैं, बड़े वाले का नाम है चुन्नी और छोटा वाला है पुन्नी। मैं इसे देखते ही पहचान गया, ये छोटा वाला पुन्नी है। बुल्ली बोला, पप्पू कबाड़ी का छोटा लड़का भी तो कल शाम से गायब है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि पप्पू कबाड़ी ने कबाड़ के साथ अपने लड़के को भी तौल दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई किडनैपर अपने मोहल्ले से एक एक करके बच्चों को गायब कर रहा है। गुल्ली बोला, नहीं बुल्ली, बात सिर्फ अपने मोहल्ले की नहीं है। इधर देखो जरा, ये लड़की तो शॉन के मोहल्ले से गायब हुई है ना। एक एक करके पूरे शहर से बच्चे गायब हो रहे हैं, हमें कुछ करना चाहिए। बुल्ली बोला, हाँ तुम ठीक कह रहे हो गुल्ली, लेकिन अपना पॉटी बॉय शॉन फोन क्यों नहीं उठा रहा? कल रात में मैंने उसे 3-4 बार फोन किया, आज सुबह भी मैं 3-4 बार फोन कर चुका हूँ, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। गुल्ली बोला, अगर ऐसी बात है तो हमें फौरन शॉन के घर चलना चाहिए। ये कहकर गुल्ली और बुल्ली दोनों स्कूटर के पास जाने लगे। गुल्ली ने स्कूटर स्टार्ट की और बुल्ली को अपने साथ लेकर शॉन के घर की तरफ चल दिया। शॉन का घर यहाँ से काफी दूर है। गुल्ली और बुल्ली को शॉन के पास पहुँचने में करीब 1 घंटे का वक्त लगा। 1 घंटे बाद जैसे ही गुल्ली और बुल्ली स्कूटर लेकर शॉन के घर के पास पहुँचे, तो रोड पे इतना सन्नाटा देखकर दोनों और भी ज्यादा डर गए। लगता है यहाँ के लोगों ने किडनैपर के डर से घरों से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। और फिर जैसे ही गुल्ली और बुल्ली शॉन के घर के पास पहुँचे, तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, और ये देखते ही दोनों की खोपड़ी घूम गई। गुल्ली बुल्ली ने देखा कि पॉटी बॉय शॉन तो बिल्कुल सही सलामत है और वो अपनी कार को चकाचक करने में लगा हुआ है। शॉन ने जब से नई कार खरीदी है तब से वो गुल्ली बुल्ली को भूल गया है, और गुल्ली बुल्ली ये सोच रहे थे कि किसी खाद बनाने वाली कंपनी ने पॉटी बॉय को किडनैप कर लिया है। गुल्ली बोला, जब इसने फोन नहीं उठाया तो हम कितना परेशान हो गए थे, और ये अपनी कार चकाचक करने में लगा हुआ है। गुल्ली बोला, बाकी बात हम बाद में करेंगे, पहले चलकर इसकी सुताई करते हैं, एक एक करके इसको टपली मारेंगे। ये कहकर दोनों शॉन की तरफ चल दिए, और फिर आगे बढ़कर बुल्ली ने शॉन को टपली मार दी। शॉन फौरन पलटा और अपनी खोपड़ी सहलाते हुए इधर उधर देखने लगा। शॉन ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसको टपली मारी किसने, यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है। और तभी शॉन की नजर गुल्ली बुल्ली की स्कूटर पर पड़ी, और शॉन देखते ही पहचान गया, अरे ये तो गुल्ली बुल्ली की स्कूटर है, लेकिन ये यहाँ कैसे आई? शॉन ये सोच ही रहा था कि तभी उसने गुल्ली को छुपते हुए देख लिया, और बस फिर क्या था, शॉन दौड़ते हुए गुल्ली के पास गया अपनी टपली का बदला लेने, और उछलकर गुल्ली को जमीन पर गिरा दिया और उसे एक के बदले 3 टपली मारी और गुल्ली के ऊपर चढ़कर बैठ गया। तभी गुल्ली ने शॉन से बताया, बुल्ली ने तुम्हें टपली मारी थी, वो भी साथ में आया है, और तभी बुल्ली वहाँ आ जाता है, और थोड़ी देर मौज मस्ती करने के बाद जब ये तीनों थोड़ा सीरियस होते हैं तो बुल्ली शॉन से कहता है, तुम्हारे भाव कुछ ज्यादा बढ़ गए, कल रात कितनी बार तुम्हें फोन किया, आज सुबह 3-4 बार फोन किया लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। शॉन बोला, नहीं तुम्हारा कोई फोन नहीं आया मेरे पास। गुल्ली ने कहा, कल रात का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सुबह बुल्ली ने मेरे सामने फोन किया था। शॉन बोला, कल रात को तो मैं कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था, अगर फोन बजता तो मैं जरूर उठाता, लेकिन तभी शॉन को कुछ याद आया, अरे यार कल गेम खेलते वक्त मैंने फोन को साइलेंट पे लगा दिया था और फिर हटाना भूल गया। तभी गुल्ली बोला, शॉन तुम्हें पता है ना माहौल कितना खराब चल रहा है, शहर से छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं, और जब तुमने फोन नहीं उठाया तो हमें ऐसा लगा कि कहीं तुम भी तो गायब नहीं हो गए, क्योंकि आज हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि तुम्हारे मोहल्ले की भी एक लड़की गायब हो गई है। तो शॉन ने बताया, हाँ वो सामने वाला घर है उसका, उस लड़की के गायब होने के बाद बहुत सारे लोग अपना घर छोड़कर यहाँ से चले गए। गुल्ली बुल्ली और शॉन आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक वहाँ आइसक्रीम वैन आ जाती है। गुल्ली और बुल्ली को लगता है कि कोई आइसक्रीम बेचने वाला आया है, और तीनों उस वैन की तरफ देखने लगते हैं। तभी वो आइसक्रीम वैन शॉन के घर से थोड़ा दूर जाकर रुकती है। गुल्ली शॉन और बुल्ली से कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ, बाकी बातें हम लोग आइसक्रीम खाते हुए करेंगे। लेकिन तभी बुल्ली गुल्ली को आइसक्रीम लाने से रोक देता है। बुल्ली कहता है, रुक जाओ गुल्ली, हम में से किसी ने भी उस आइसक्रीम वाले को नहीं रोका है, वो अपने आप रुका हुआ है, उसको कैसे पता चला कि हम लोग आइसक्रीम खरीदने वाले हैं? मुझे तो वो आइसक्रीम वाला कुछ ठीक नहीं लग रहा। उस आइसक्रीम वाले को देखकर गुल्ली बोला, ये कौन है? बुल्ली बोला, शॉन जानता होगा इसे। शॉन ने कहा, नहीं मैं इसे नहीं जानता, मैं तो खुद इसे आज पहली बार देख रहा हूँ, वो हमें देखकर अपना हाथ हिला रहा है।
हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं हूँ तुम्हारा दोस्त रॉड और मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी आइसक्रीम। एक बार खाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे। अगर तुम एक खरीदोगे तो दूसरी फ्री दूंगा और उसके बाद तुम सबको गाड़ी में उठा लूंगा। तभी बुल्ली बोला, शॉन हमें घर के अंदर चलना चाहिए, मुझे ये आइसक्रीम वाला कुछ ठीक नहीं लग रहा। बुल्ली की बात सुनकर शॉन गुल्ली और बुल्ली को लेकर अपने साथ घर के अंदर जाने लगा और तीनों में से किसी ने भी आइसक्रीम वाले को कोई जवाब नहीं दिया। और इधर आइसक्रीम वाला गुल्ली बुल्ली और शॉन को घर के अंदर जाते हुए देख रहा था। गुल्ली बुल्ली के जाने के बाद आइसक्रीम वाला भी वैन के अंदर चला गया और किसी ने भी आइसक्रीम नहीं खरीदी। गुल्ली बुल्ली को घर के अंदर ले जाने के बाद शॉन ने गेट बंद कर लिया। शॉन का रूम सेकेंड फ्लोर पे है, इसलिए शॉन गुल्ली बुल्ली को लेकर सेकेंड फ्लोर पे पहुंच गया। शॉन ने दरवाजा खोला और तीनों अंदर चले गए। रूम के अंदर आने के बाद तीनों ने मिल बैठकर प्लानिंग बनाना शुरू की कि किस तरह उस किडनैपर को पकड़ा जाए जो इस शहर से बच्चों को गायब कर रहा है। शॉन बोला, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हम तीनों रोड पर अलग अलग खड़े होंगे और किडनैपर जैसे ही हमें रोड पर अकेला खड़ा देखेगा हमें पकड़ने की कोशिश करेगा, बस उसी वक्त हमें जोर से चिल्लाना है। गुल्ली बोला, बकवास घटिया, दो कौड़ी का आइडिया है तुम्हारा, बिल्कुल तुम्हारी पॉटी की तरह। इस तरह हम तीनों पकड़े जाएंगे, वो एक एक करके हम तीनों को गायब करता जाएगा और बाकियों को पता भी नहीं चलेगा कि कौन गायब हो गया है, इसलिए हम तीनों को साथ में रहकर ये काम करना होगा। बुल्ली ने कहा, अगर हम तीनों साथ रहेंगे तो वो कभी भी हमारे करीब नहीं आएगा, हम तीनों को अलग अलग लेकिन होशियारी से काम करना होगा। गुल्ली बोला, हम तीनों एक साथ ही काम करेंगे लेकिन सिर्फ एक बंदा ही रोड पर अकेले खड़े होने का नाटक करेगा, बाकी दो छुपकर उस पर नजर रखेंगे और जैसे ही किडनैपर करीब आएगा हम उसे मिलकर दबोच लेंगे। और इसी तरह गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों मिलकर घंटों तक किडनैपर को पकड़ने की प्लानिंग बनाते रहे और देखते ही देखते सारा दिन गुजर गया और रात हो गई। रात होते ही शॉन ने अपने कमरे की खिड़की खोली और बाहर झांकने लगा। गुल्ली और बुल्ली कंप्यूटर पे GTA 5 खेल रहे थे। तभी शॉन ने रोड के किनारे किसी को भागते हुए देखा लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो ठीक से देख नहीं पाया कि वो कौन था। शॉन की ये समझ में नहीं आ रहा कि वो जो भी था लेकिन शॉन को देखकर भागा क्यों। शॉन काफी देर तक इधर उधर देखता रहा लेकिन फिर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। शॉन कुछ देर तक खिड़की पे रुका और फिर वापस अंदर चला गया। शॉन तो उस आदमी को नहीं देख पाया लेकिन वो आदमी गुल्ली बुल्ली और शॉन पे नजर रखे हुए। शॉन ने अंदर आने के बाद बुल्ली से बताया कि कोई आदमी अपने घर के नीचे खड़ा हुआ था, जैसे ही मैंने खिड़की खोली वो आदमी मुझे देखकर भाग खड़ा हुआ। बुल्ली ने कहा, क्या तुम उसे पहचान सकते हो। शॉन बोला, नहीं, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। गुल्ली बोला, जरूरी नहीं है कि वो कोई किडनैपर हो सकता है वो कोई चोर हो, क्योंकि आस पड़ोस के ज्यादातर घर खाली पड़े और हो सकता है वो चोरी करने आया हो और उसने जैसे ही तुम्हें देखा होगा डर के भाग गया होगा। बुल्ली ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है यार, यहाँ शॉन अकेला नहीं है, हम तीन लोग हैं यहाँ। चलो मुझे दिखाओ कहाँ देखा था तुमने उसको। उसके बाद शॉन बुल्ली को लेकर खिड़की पे आ गया और वो जगह दिखाने लगा जहाँ पे शॉन ने उस आदमी को भागते हुए देखा था। लेकिन जब बुल्ली ने नीचे झाँक कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, रोड पर बिल्कुल सन्नाटा था। बुल्ली ने शॉन से कहा कि हो सकता है वो कोई चोर हो, तुम घर की खिड़की दरवाजे ठीक से बंद कर लो। शॉन बोला, गेट तो मैं बंद करके ऊपर आया था, रही खिड़की की बात तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। और उसके बाद शॉन ने खिड़की बंद कर दी और उसके बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन बारी बारी से काफी देर तक कंप्यूटर पर गेम खेलते रहे। पहले एक घंटे तक गुल्ली ने गेम खेला, उसके बाद बारी आई बुल्ली की, बुल्ली ने एक घंटे से ज्यादा गेम खेला और शॉन अपनी बारी का इंतजार करता रहा। और फिर बारी आई शॉन की और फिर शॉन ने 12 बजे रात तक दबा कर गेम खेला। 12 बजते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन बिस्तर पर सोने के लिए चले गए और चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा गया। दिन भर मौज मस्ती करने के बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन घोड़ा बेचकर काफी गहरी नींद सो रहे थे। तभी खिड़की में कुछ हलचल महसूस हुई, ऐसा लग रहा था कि कोई खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा है। और तभी शॉन की आंख खुल गई। शॉन उठकर देखता है कि खिड़की हिल रही है, कोई है जो घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। शॉन बेड से नीचे उतरा और सीधे खिड़की के पास पहुंचा। शॉन के पास जाते ही खिड़की हिलना बंद हो गई, खिड़की पे जो भी था शायद वो चला गया था। शॉन ने कुछ देर रुककर खिड़की खोली और बाहर देखने लगा, बाहर तो उसे कोई नजर नहीं आया लेकिन खिड़की पे एक रस्सी लटक रही थी। शॉन ये देखकर समझ गया कोई तो जरूर था जो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। शॉन ने दरवाजा खोला और सीधे नीचे भागकर ये देखने के लिए गया कि कहीं वो चोर या किडनैपर नीचे तो नहीं छुपा हुआ है। लेकिन जब शॉन नीचे आया तो उसे रस्सी के अलावा कुछ नहीं मिला, वो चोर या किडनैपर जो भी था रस्सी छोड़कर भाग चुका था। इससे पहले कि वो चोर वापस आए शॉन को ये रस्सी हटानी होगी। लेकिन ये कैसी आवाज है, अरे ये तो वही आइसक्रीम वाला है जो सुबह यहाँ आया था।
लेकिन ये इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है? कोई भी आइसक्रीम वाला रात में आइसक्रीम नहीं बेचता। तभी शॉन को याद आया कि बुल्ली ने गुल्ली को वैन के पास जाने से रोका था, क्योंकि उसे ये आइसक्रीम वाला कुछ ठीक नहीं लग रहा था। शॉन आइसक्रीम वाले को देखकर डर गया और घर के अंदर जाने लगा। तभी उसे आइसक्रीम वाले ने आवाज दी और शॉन उसके झांसे में आ गया। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरी सारी आइसक्रीम बिक चुकी है, सिर्फ यही बची है, तो मैंने सोचा तुम्हें दे दूं, वो भी फ्री में। ना 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 और उसके बाद वो आइसक्रीम वाला जिसका नाम रॉड है, वो शॉन को पकड़ने के लिए उसके पास चला गया। और फिर आइसक्रीम वाले ने शॉन को उठाकर वैन में ले जाकर बंद कर दिया और इस तरह अपना पॉटी बॉय शॉन किडनैप्ड हो गया। दोस्तों, क्या होगा अब शॉन का? क्या अपना पॉटी बॉय शॉन कभी वापस आएगा? क्या वो कभी पॉटी कर पाएगा? गुल्ली और बुल्ली जब सुबह उठेंगे तो क्या करेंगे? और क्या ये आइसक्रीम वाला गुल्ली और बुल्ली को पकड़ने वापस आएगा? ये सब हम देखेंगे पार्ट 2 में। तो दोस्तों, अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।